इंटर पास मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए अगर आप आवेदन दिए थे तो आपको एक SMS मिला होगा, या नहीं मिला है तो वो आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसी तरह का आपको भी SMS मिला होगा या मिलने वाला होगा। तो आपको इस SMS में बता रहा है कि आप अपने पोर्टल में लॉगिन करके अपने अकाउंट को वेरीफाइड कर दीजिए या पेमेंट जो आने वाला है उसको अप्रूव कर दीजिए। तो कैसे अप्रूव करना है चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ मेधासॉफ्ट सर्च करेंगे तो ये मेधासॉफ्ट का ऑफिशियल साइट आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे और ये देखें इस तरह का कुछ यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक प्लस टू प्रोत्साहन योजना, अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2023, इसको ओपन करना है। कुछ इस तरह से ये ओपन होगा। यहाँ स्टूडेंट वाला सेक्शन में आना है या लॉगिन फॉर स्टूडेंट, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ अपना यूज़र आईडी, यहाँ अपना पासवर्ड, ये कैप्चा यहाँ फिल करके लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ फॉरगेट करके आप दोबारा से मंगवा सकते हैं, जो आपको SMS में आ जाता है, आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाता है। चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही देखिए आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा। करंट स्टेटस में आप यहाँ वेरीफाइड लिखा हुआ देख रहे हैं, ये आपका पूरा डिटेल्स है। ये रजिस्ट्रेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है, डिपार्टमेंट एंड बैंक वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है, फाइनलाइज भी सक्सेसफुल हो चुका है, अप्रूव फॉर पेमेंट ये बाकी है तो इसी को आपको करना है, ये प्रिंट एप्लीकेशन भी सक्सेसफुली हो चुका है। तो अप्रूव फॉर पेमेंट ये जो बाकी है तो इसके ऊपर हम इस तरह क्लिक करेंगे और ये कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, इसमें से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अपना मदर नेम फिल करेंगे, यहाँ 12 का रोल नंबर फिल करेंगे जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ से स्टेटस में यहाँ आप अप्रूव सेलेक्ट कर देंगे और ये टर्म को एक्सेप्ट करेंगे इस तरह और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ आपको अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना बैंक अकाउंट, इन सबको बढ़िया से एक बार चेक कर लेना है और यहाँ टर्म को एक्सेप्ट कर देना है इन सबको फिल करने के बाद, और यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही देखिए सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा, यहाँ इसको हम ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ फिर से होम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपना होम में आएंगे तो देखेंगे अप्रूव फॉर पेमेंट ये भी मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये काम आपको कर लेना चाहिए अगर नहीं किए हैं तो, क्योंकि ये काम के बिना आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। कुछ ही दिन का समय आपको मिलता है ये काम करने के लिए, तो ये काम आपको कर ही लेना चाहिए। तो इसी तरह से आप अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं या पेमेंट को अप्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।